देखिए विपक्ष का तो काम हल्ले करने का है, जब उनको जनता ने विपक्ष में बैठा दिया तो उनके पास में इसके अलावा कुछ अधिकार है नहीं। राजस्थान की विधानसभा की प्रक्रिया परंपराओं से चलती है और कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र का हमेशा सम्मान किया है, हमेशा ध्यान किया है। 17 साल किया ही नहीं गया है तो सदन बुलाया जा सकता है, ये पहले भी हुआ है, कोई नई परंपरा नहीं है राजस्थान के अंदर। ये सब बजट की जो घोषणाएं और जो क्रियान्विति हुई है उसे बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक दल की मीटिंग में इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करने का प्रयास कर रही है। वो ये कर रही है कि हम सदन को घेर लेंगे, सदन चलने नहीं देंगे, ये उठाएंगे वो उठाएंगे। हमारा तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पे आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही गिरी हुई है, 8-8 दस मुख्यमंत्री लिए हुए खड़ी है, उनके नेता खुद आपसरी में लड़ रहे हैं, उनके विधायकों को यहाँ पर बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर वो नहीं आए सदन में तो उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। ये हालात है, उनके सदस्यों की संख्या ही कम आती है तो काहे के लिए क्या करेंगे, खुद गिरी हुई पड़ी है भारतीय जनता पार्टी। महंगाई को लेकर जिस प्रकार पूरा देश में कोहराम मचा हुआ है, पेट्रोल डीजल गैस रसोई का बजट बिगड़ गया है उस बात को लेकर, और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो धुआंधार दौरे किए हैं राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के माध्यम से, और जो जनता उमड़ रही है और जो वापस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए जो संकेत दे रही है उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। उनके अलावा कुछ नहीं है, खाली विधानसभा के अंदर हाव उलट कर लो, विधानसभा नहीं चलने की चेतावनी दे दो, ये कर लो, इसके अलावा यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है इनको। भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, देखिए वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके पास में कहने को कुछ नहीं है। कहने को ये लोग अभी गायों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हुए उनसे आप पूछोगे उन्होंने घर में गाय बांध रखी है क्या, कई गायों को उन्होंने पाला है क्या, सीधा रेडीमेड दूध ला के दूध पीते हैं, राजनीति करते हैं गाय की। हम लोग किसान लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, गांव से रहे हुए लोग हैं, हम जानते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने किस प्रकार गायों को पाला है, किस प्रकार गाय का गोबर घर में लेप के घर को आंगन लगाया जाता है, किस प्रकार गाय का मूत्र जो है वो काम में लिया जाता है। ये लोग तो अगर कहीं गाय रखते भी हैं तो उसका गाय का गोबर भी JCB और मशीनों से उठवाते हैं, इनको मतलब ही नहीं है गाय से, ये खाली एक राजनीति कर रहे हैं लंपी वायरस की बीमारी के लिए। जब भी राजस्थान में लंपी वायरस की बीमारी का पहला केस आया मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली, बाकायदा जिला कलेक्टर्स की ली, प्रभारी मंत्रियों की ली, हम सबको अपने अपने क्षेत्र के अंदर भेजा, सरकार पूरी तरह तैयार है। और इनके पास में जब राष्ट्रीय महामारी घोषित करने के लिए इनके मंत्री को, सेंटर के मंत्री को, दिल्ली की सरकार को कहा गया तो वो उनके बोलने को जवाब ही नहीं है उनके पास। 10% सरकार आएगी, जिस प्रकार अभी मैंने खुद के मेरे विधानसभा क्षेत्र नावा के अंदर राजीव गांधी ओलंपिक खेल का जो मुख्यमंत्री जी को बुलाकर प्रोग्राम किया उसमें 1 लाख लोगों से ज़्यादा भीड़ उमड़ी है। मुख्यमंत्री जी जाने के बाद में भी लोग आ रहे थे, अनुशासन भी रहा, शांतिपूर्ण मीटिंग रही, और अशोक गहलोत जी को इस बात का पूरा भरोसा दिलाया है कि उनके जो उल्लेखनीय काम किए हुए हैं और बजट घोषणाएं नहीं बल्कि जो विपक्ष यहाँ पर कहता था कि बजट की सिर्फ घोषणाएं हो रही है, उनकी क्रियान्विति हो रही है, पैसा आ रहा है और ग्रास रूट के ऊपर काम होने लग गया है, बिल्डिंगें बनने लग गई है, अधिकारी बैठने लगे हैं, और उससे बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास में बोलने को कुछ नहीं है। और राजस्थान की जनता ने फिर तय कर लिया कि कांग्रेस की सरकार को दिसंबर 2023 में राजस्थान में रिपीट करेंगे। कांग्रेस तैयार थी, कांग्रेस तैयार है, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की कांग्रेस पार्टी, राजस्थान की सरकार शानदार काम कर रही है, और विधायक मिल रहे हैं अशोक जी से, रोज़ गाँव में जा रहे हैं, वहाँ मिल रहे हैं, कल यहाँ पर हमारा जो संगठन का इलेक्शन हुआ उसमें विधायक मिले हैं और बराबर मिल रहे हैं, यहाँ पर भी मिलेंगे सदस्य, कल भी मिलेंगे, बराबर मिल रहे हैं सब मुख्यमंत्री जी से, लगातार सदस्य मिल रहे हैं।